देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार पहुंच गई है। इनमें एक्टिव केस की तादाद 14,759 है, जबकि कोरोना से देश में अब तक 590 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,252 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना के खतरे के चलते केंद्र के दफ्तरों की कैंटीन बंद कर दी गई है। कोरोना के सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है, यहां अब तक 4,666 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 232 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 572 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, यहां 2,081 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां पर 1,939 मामले सामने आए हैं, इनमें से 71 लोगों की जान जा चुकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह फोनलाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी प्रीत, क्या कुछ अपडेट है? लगातार देश भर में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। जी बिल्कुल, देश भर में संकट गहराता जा रहा है और अब ये प्रेसिडेंट हाउस तक यानी कि राष्ट्रपति भवन में भी एक मामला पॉजिटिव आया है। उसके बाद से 125 ऐसे परिवार हैं जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया है दिल्ली में, और जिस तरीके से मीडिया में भी लगातार काम कर रहे हैं पत्रकार, मुंबई में ऐसे पत्रकार पाए गए हैं 53 लगभग जो पॉजिटिव आए हैं, और दिल्ली में अब तमाम जो पत्रकार हैं जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं उनको अब रैपिड किट के माध्यम से टेस्ट किया जाएगा। ऐसे तमिलनाडु में भी लगभग 26 ऐसे पत्रकार हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। केवल तमाम देश भर में नहीं, केवल जो लोग फील्ड में निकल रहे हैं चाहे वो रिपोर्टर ही क्यों ना हो, वो लोग भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जी प्रीत किरण, लगातार मॉडिफाइड लॉकडाउन लगा दिया है देश में, इसके बाद क्या स्थिति है, क्या सरकार की आगे की रणनीति है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार करने जा रही है? देखिए, तमाम बैठकें की जा रही हैं और वो लोग जो कि अब तक ट्रेस नहीं किए जा सकते थे उनको भी ट्रेस किया जा रहा है कि जो लोग क्वारंटाइन रखने के बाद भी बाहर निकल रहे हैं या फिर जिन लोगों को पॉजिटिव पाया गया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो कहीं बाहर ना जाएं। ऐसे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिन लोगों को क्वारंटाइन किया जाना था वहां से काफी लोगों की अरेस्ट हुई है, लगभग 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मतलब 16 लोग ऐसे थे जो कि विदेशी थे और तमाम जो लोग हैं वो जमात से जुड़े हुए थे। इसी तरीके से केंद्र सरकार की ओर से भी तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी लगातार रिलीफ दी जा रही है और ऐसे कामकाज जो कि किए जा सकते हैं उनको उनमें थोड़ी डिलाइट दी जा रही है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली और गाजियाबाद का जो बॉर्डर है, क्योंकि नोएडा काफी संवेदनशील हो गया, ऐसे में उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया, लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। जी, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां के क्या हालात है, दिल्ली में किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है? देखिए, 2000 से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर 2,081 लोग पॉजिटिव हैं और काफी नए मामले हैं, करीबन 70 के ऊपर कल 24 घंटे में नए मामले आए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, काफी एहतियात बरती जा रही है, सील किया जा रहा है पूरे इलाके को और वहां पर अब जो नई जो किट्स आई है उनके माध्यम से, जो रैपिड किट्स आई है उनके माध्यम से टेस्ट किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीत किरण सिंह, ये हमारे दिल्ली संवाददाता जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी किस प्रकार से तैयारियां अलग अलग देश के हिस्सों में चल रही है।